नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत माणकपुरा स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गोशाला सागवाड़ा में श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के अंतिम दिन पितृ तर्पण के लिए गोपूजन और दान पुण्य में लोगों ने जमकर भाग लिया। इस अवसर पर गौशाला समिति द्वारा सवामणि का गोमाता को गौशाला के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गोमाता को भोग धराया गया, जिसमें आयुर्वेदिक विधि से सवामणि का भोग बनाया गया था। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा सहित पितृ विसर्जन अमावस्या के यजमान मनोज पुत्र सुंदरलाल सोनी निवासी बिलुड़ा स्वयं के जन्मदिन पर कर्मवीर सिंह राठौड़ पुत्र देवी सिंह राठौड़ निवासी पाटला हंडलिया द्वारा बनेज मनस्वी चौहान कुंजिका पाटला बांसवाड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनोज पुत्र सुंदरलाल सोनी निवासी बिलुड़ा द्वारा माता स्वर्गीय पुष्पा देवी सोनी के श्राद्ध पर जगदीश यादव पुत्र कोदरलाल यादव निवासी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी द्वारा माता हंतोकबाई एवं पिता कोदर की स्मृति में शीतल जी भट्ट पत्नी चेतन भट्ट निवासी दम्बोला द्वारा दादी स्वर्गीय आनंदीबेन पत्नी गौरीशंकर पंड्या की स्मृति में शीतल भट्ट पत्नी चेतन भट्ट निवासी दम्बोला द्वारा सासू स्वर्गीय तारामती पत्नी प्रकाश भट्ट की स्मृति में पूरा पाटीदार भूतपूर्व सरपंच निवासी भेमई द्वारा पत्नी स्वर्गीय अमृत देवी पाटीदार के प्रथम श्राद्ध पर कल्पेश पुत्र हीरालाल सुथार निवासी गोवाड़ी द्वारा पिता स्वर्गीय हीरालाल सुथार की स्मृति में मयंग शर्मा पुत्र नरेंद्र कृष्ण शर्मा निवासी गोवाड़ी द्वारा स्वयं के जन्मदिन पर भिखालाल पुत्र कचरू बोई निवासी डूंगरपुर द्वारा सर्व पित्र की स्मृति में विजेंद्र सिंह पुत्र दीप सिंह आहाड़ा निवासी माथुकामड़ा खास द्वारा माता स्वर्गीय पारस कुमार आहाड़ा की स्मृति में दूलजी पुत्र वालाजी बोई निवासी सागवाड़ा द्वारा सर्व पित्र की स्मृति में मोतीलाल पुत्र म्याचंद पटेल निवासी जेठाणा द्वारा सर्व पित्र की स्मृति में कुणाल पुत्र गोपाल बोई निवासी सागवाड़ा द्वारा सर्व पित्र की स्मृति में गोवर्धन पुत्र कन्हैयालाल दर्जी निवासी सागवाड़ा द्वारा गौ पूजन और गौग्रास करवाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले तो आज पितृ अमावस्या के शुभ अवसर पे श्री श्री उत्तम गोपाला कृष्ण गोपाल गौशाला में सभी कार्यकारिणियों को मैं तय दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ देखा वास्तविक के गो रक्षा के लिए जो हमारी कार्यकारिणी आज कार्य कर रही है उसके लिए मैं एकदम मुझे अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने कार्यकारिणी ने जो मेरे से मांग रखी है वो निश्चित ही मैं पूरा करूँगा। आज सभी लोगों ने यहाँ आके गोगास की, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमेशा इस कार्य में आके सब अपना सहयोग दें। कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन पितृ अमावस्या, 15 दिन से जो अनवरत प्रक्रिया यहाँ चल रही है गौशाला में, उसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के सागवाड़ा क्षेत्र के पंचायत समिति के प्रधान साहब आदरणीय ईश्वरलाल जी मौजूद हैं, तहसीलदार साहब पधारे हैं, माननीय उपखंड अधिकारी पधारे हैं और सभी गणमान्य नागरिक और काफ़ी परिवार सहित जो भी हमारे यहाँ मेहमान पधारे हैं, सबसे पहले उनका साधुवाद और स्वागत। निश्चित तौर पर आज का बड़ा दिन है। आज का जो गोग्रास है उसमें ये माना जाता है कि आज की जो अमावस्या है, सर्व पितृ अमावस्या है आज, तो उस दिन आज जो भी हम गोग्रास कराते हैं या पितरों के नाम से जो भी तर्पण और अर्पण करते हैं वो सीधा पितरों तक पहुंचता है। आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ज्ञात अज्ञात जितने भी पितर अपने हैं जिनका हम भूल जाते हैं श्राद्ध मनाना, उसके लिए भी सभी का आज किया जाता है। तो आज इस अवसर पर सभी पधारे, उसके लिए स्वागत है उनका। दूसरा, आज गौशाला श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला की तरफ से गौवंश के लिए, समस्त गौ माता के लिए और गौवंश के लिए सवामणि का प्रसाद बनाया गया है, जिसमें हमने गेहूं के साथ गुड़, अजवाइन, मेथी, मतलब कुल मिला के ये औषधीय गुण से जो गाय माता जिनका पेट थोड़ा सा अस्वस्थ है, प्लास्टिक खा रहे हैं, तो उन सब के लिए अच्छा रहेगा। ये हमने बिल्कुल आयुर्वेद विभाग से
कंसल्ट कर ये जो सवामणि का प्रसाद आज बनाया है गौ माता के लिए, ये यहाँ गौशाला में जो गौ माता है उनको तो हमने अर्पण किया ही किया है, पर अब कुछ ही देर में हमारे गौरक्षक दल के सदस्य, हमारे गौशाला के सदस्य, नगर में जितनी भी गौ माता गौवंश उपस्थित है उन सबको हम ये उनके भोग धराएंगे। ये हमारा आज का लक्ष्य था, उसका प्रसाद आज तैयार है। करीब 2 क्विंटल का हमने ये प्रसाद बनाया है, तो वो भी अब थोड़ी देर में वितरित होगा। और आज सब पधारे उनका आभार है ही है, पर आगे भी ये क्रम अनवरत जारी रहे। किसी के जन्मदिन हो, किसी के कोई पुण्यतिथि हो, किसी के दुकान का उद्घाटन हो, कार्यालय का उद्घाटन हो, कोई किसी भी तरह के व्यवसाय क्षेत्र का उद्घाटन हो, कोई भी शुभ दिन हो, किसी भी तरह का दिन हो, अगर गौ माता को पहला अर्पण निकालते हैं, जैसे गौ माता को पहली रोटी निकालते हैं, ऐसे किसी भी व्यवसाय में या किसी भी तरह के कार्य में कोई भी वस्तु या गोग्रास अपन गौ माता के चरणों में अर्पित करते हैं, तो उसके पुण्य के हम सनातन धर्म के नाते पुण्य के भागी बनते हैं। तो मैं पुनः अपील करता हूँ, सभी नगरवासियों से भी अपील करता हूँ कि जैसा प्रेम स्नेह अभी तक आपका बना रहा है वो आगे भी बना रहे, वो बढ़े, और सभी यहाँ गौशाला पधारें और सहयोग करें। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।